यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के विभिन्न पदों पर भर्तियां निकाली हैं। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे उम्मीदवारों के लिए ये एक सुनहरा मौका है। आइए इस रिपोर्ट में हम आपको ये डिटेल में बताते हैं ताकि आप कहीं पीछे ना रह जाएं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के विभिन्न पदों पर भर्तियां निकाली हैं। सभी इच्छुक उम्मीदवार यूपीएससी रिक्रूटमेंट 2021 के लिए आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर 16 दिसंबर 2021 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस प्रक्रिया के माध्यम से प्रोफेसर कंट्रोल सिस्टम के एक पद, एसोसिएट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस के एक पद, एसोसिएट प्रोफेसर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के एक पद, एसोसिएट प्रोफेसर इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के एक पद, एसोसिएट प्रोफेसर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के दो पद, एसोसिएट प्रोफेसर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के एक पद और ट्यूटर के 14 रिक्त पदों पर भर्ती की जानी है। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से कुल 21 पदों पर नियुक्तियां की जानी है। अब आप सोच रहे होंगे कि योग्यता क्या है, कौन अप्लाई कर सकते हैं, तो सुनिए। आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवार के पास संबंधित विषय में बैचलर या मास्टर डिग्री के अलावा पीएचडी डिग्री का होना जरूरी है। वहीं ट्यूटर पदों के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान से नर्सिंग में मास्टर की डिग्री होनी चाहिए। सभी पदों के लिए योग्यता अलग अलग निर्धारित की गई है, इसीलिए उम्मीदवार विस्तृत जानकारी के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जरूर चेक कर लें। इसके अलावा प्रोफेसर पद के लिए उम्मीदवार की आयु 50 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। वहीं एसोसिएट प्रोफेसर पद के लिए अधिकतम आयु 40 साल और ट्यूटर पद के लिए अधिकतम आयु 35 साल निर्धारित की गई है। हालांकि सरकारी नियमों के अनुसार आरक्षित कैटेगरी के उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट दी जाएगी। अब एक और जरूरी सूचना, आवेदन शुल्क क्या होगा? आवेदन शुल्क केवल 25 रुपए देने होंगे। SBI की नेट बैंकिंग सुविधा का उपयोग करके या वीजा, मास्टर क्रेडिट, डेबिट कार्ड का उपयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति PWBG किसी भी समुदाय की महिला उम्मीदवारों के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा। अब एक और जरूरी बात जिसका आप सबको ख्याल रखना है, ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 16 दिसंबर 2021 है। ऑनलाइन आवेदन पत्र को प्रिंट करने की अंतिम तिथि 17 दिसंबर 2021 है। फॉर्म भरने का तरीका तो आप समझ गए हो, लेकिन अब एक और जरूरी बात कि आखिर सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा, तो सुनिए। उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग उनके द्वारा आवेदन पत्र में प्रस्तुत जानकारी के आधार पर की जाएगी। अभ्यर्थी ध्यान रखें कि लास्ट डेट के बाद अप्लाई करने वालों के फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म में किसी भी तरह की गलती या गलत जानकारी पाए जाने पर फॉर्म रिजेक्ट भी किया जा सकता है। तो बस ऐसे तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें बिहार तक। एक और जरूरी बात, बिहार तक आप देख रहे हैं बिल्कुल नए अंदाज में, तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि बिहार तक का ये नया अंदाज आपको कैसा लग रहा है।